हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली एक्शन। गाइज, आज मैं एमिसल का नया सॉन्ग है सुपर हिट। ये एक सुपर हिट सॉन्ग पहले से ऑलरेडी है, मुझे पहले कह रहे कि ये सुपर हिट सॉन्ग होने वाला है एंड 9 अप्रैल को ये रिलीज हुआ था। ओके, सो इस सॉन्ग की मुझे रिक्वेस्ट आई, और रिक्वेस्ट आई है शेख इमरान की ओर से, महाराज स्टूडियो MBS, दैन चेतन कोहली, अरकम शेख एंड निक सानवार। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजी। सो गाइज, लेट्स बिगिन। सब लोगों तकलीफ सुन, ए मुझे तेरे गाली और ये चल रहे मेरे ही राहों पे, डिस करके खुद का सीन बढ़ाना चाहते। हेट करेगा तो कैसे भरेगा प्लेट, मेरे अब्बा बिजनेसमैन उसी तरह बेटा बना सेठ, भरू प्लेट नेकरे के कोशिश जब कर रहा था साले, सब दूर से देख रहे थे, इनके सारे व्यूज फेक है बे, वीडियो शूट या ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों करवाने में देता एक ही टेक में। कभी ब्रेक माशाल्लाह इसी तरह चलता रहूंगा, मिस्टेक से सीखूंगा मैं तो, वी कैन बे आई एम ब्लेस्ड टुडे, छोड़े करियर बचा ले डोंट मिस विद मी, मैं नहीं देने वाला मेरा जगह किसी को भी, मेसी की तरह मेरा भी फ्लो मारे स्प्रिंट मूवमेंट, यस आई एम गेट स्वेडी, टेंपरेचर गरम हो रहा है, आई एम वेरी स्वेडी, मेरी टेडी की तरह बोले की लेडी, मेरी लेडी नहीं एक्चुअली वो बेबी है मेरी, मेबी मैं मैरी नहीं करने वाला क्योंकि आई एम ऑलरेडी मेरे म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के बाहर बैठे ले यहां पे म्यूजिकल थॉट है ये, स्पॉट पे फ्रॉड करने वाले को गॉड करते, गाने बज रहे हार्ड वायरल हो रहे अपन बहुत फटे, बाकी काले खट्टे मीठे बनके घूमे सबके पीछे, मेरा सिक्का ही चलेगा अपन सुपर हिट है चल, अपन सुपर हिट है सुपर हिट है चल। ओके, अपन सुपर हिट है सुपर हिट है चल, अपन सुपर हिट है चल चले निकल। शुरू शुरू में लग रहा था मुझे करूं मैं रैप स्टार्ट, घर वाले चाहते थे बनूं डॉक्टर लेकिन मैं स्मार्ट नहीं रहा पढ़ाई के मामले में, सिर्फ 10वीं तक अच्छा पढ़ रहा था, उसके बाद ध्यान देने कम किए घर वाले, उन्हें लग रहा था मैं पढ़ रहा हूं घर पे बैठे और सिटी पे इंस्ट्रूमेंटल चल रहा हूं, रैप किया रिकॉर्ड किया मैं डाला यूट्यूब पे, ध्यान नहीं दिया मैंने यूज पे सिर्फ काम किया, इतने सारे गाने बाहर मेरे 10 एल्बम तो डाल दिया, एक रैपर बता दे भारत से जो दिल से काम किया, रैप किया क्लब किया ट्रैप किया जॉब किया सब गाने किया, क्योंकि वर्सटाइल में ये मेरा स्टाइल है, ये छापे मुझको करते खुद का सोचे इनका टाइम है, इनके गाने जो फेमस हुए बेटा उसमें भी तो अपने राय में कुतरा स्टाइल मेरा चोर बजर के कपड़े पहन के वीडियो पे स्माइल मेरा, शूटिंग में पानी के पैसे नहीं होते थे साइन, मेरा करने का मन हो रहा था अकेला रो रहा था, मौका नहीं दे रहा था कोई पर मेरा था कोई, जो ऊपर से दे रहा था ध्यान मेरा उसी की मैं ऐसे आज दे रहा हूँ ज्ञान मेरा, ए तुम लोग को मुझे मत रोको मैं खुले आम शॉट दे आया सब लोग को, व्हाट द फक आई मिस दैट इट्स ओके, कभी कभी चलता है माफ किया सबने, ए माफ किया सबने, ओके गलती का भूल है, मैं भी इंसान हूँ मैं भी इंसान हूँ मैं भी इंसान हूँ, मालूम है ना इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है क्या मालूम है ना ये लाल उपचे मेरे सबको पटपट फॉर्म में लग रहे आज तो फूल एक नंबर देते हो तेरे अब्बू खड़े ले या मैदान में, रैप गेम में बोले तो शैतान है, शक्ल ही हार्ड है पहचान है, डिस गेम के हाईवान है, कमर्शियल काम में भी महंगा है, सस्ता नहीं कर लेते काम है बाकी क्योंकि इन्हें दिखता कोई रास्ता नहीं, कर लेते काम ये बाकी क्योंकि इन्हें दिखता कोई रास्ता नहीं, खुद पे भरोसा नहीं तो तू यहाँ तक कैसे पहुँचा ये तूने सोचा नहीं, ए बातें करने बैठूंगा तो हर एक बातें लगेंगे दिल में, बातें करने बैठूंगा तो हर एक बातें लगेंगे दिल में, शायर से लगता हूँ कभी कभी तुम भी तो आओ मैं फिल्म में नंबर, ए चिल्ला के गाने गा रे किसका बस कर चिल्ला के गाने गा अपना ही छक्के, बाकी ये बचकाने माइक पे थक्के, गाने मेरे बारे में दूंगा मैं रख के पीछे छक्के, बोलूंगा मुझे हक्के जो भी मेरे रास्ते में आ रहा खड़ा धक्के, मैं 12-12 बजे सो के उठे ना हूँ भगवे में जरा नहीं कहीं पे भी सबको दूंगा फटके, पड़े गाने मेरे पास सारे रैपर रो पड़े सड़े हुए थू पड़े थोड़े बहुत रो पड़े कमाके धमाके समझे खुद को, किसी पे उंगली उठाने से पहले तुम रुको झुको मेरा स्टाइल छापे खुद का स्टाइल थोड़ा बुद्ध से गाढ़ा पे, जिंदगी का पता नहीं जा रहे है कहाँ पे, ये मर्जी का करते नहीं रखे ले सोते ले बाप है जब आपकी सुन। ओह माय गॉड, आई मीन ये जो था ये एक्चुअली एक टाइप का यू नो वो युद्ध के पहले की जो धमकी होती है ना वो क्या कहते हैं उसे सब याद नहीं आ रहा अभी इसके लिए, लेकिन ये एक टाइप का वार्निंग हम वार्निंग कह सकते हैं इसे कि भाई मैं फुल रेडी हूँ यू नो, तो अब अगर डिस ट्रैक की पूरी गेम अगर चलने वाली है तो आई एम रेडी फॉर इट एंड ये सॉन्ग ग्रेट था। आई मीन उन्होंने कहा कि मतलब वो ऐसे ही कोई आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर उनके है तो वो ऐसे ही नहीं आ गई, या फिर यू नो कुछ लोग कहते हैं कि रफ्तार को जब डिस किया उसके बाद वो फेमस हो, ऐसा नहीं है, वो पहले फेमस थे ही एक्चुअली, बस सब्सक्राइबर अब बढ़ चुके हैं,
लेकिन उस वक्त भी आई थिंक 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे उनके, तो वो भी एक टाइप की यू नो अचीवमेंट ही थी। सो आई थिंक उन्होंने यहाँ पर गिनवाया है कि भाई मैं ऐसे ही इतना फेमस नहीं हुआ हूँ या यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, बहुत मेहनत की उसके बाद यहाँ पहुँचा हूँ। और कुछ लोग जो है डिस करके ये सब कुछ फेम ले जाते हैं, तो ऐसा अगर करना चाहते हो तो मैं अपनी जगह नहीं लेने वाला हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ वार्निंग हियर। एंड बहुत ही ग्रेट स्टोरी थी उनकी, जो स्टोरी थी वो वही स्टोरी उन्होंने कही, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में कही, कुछ नया लगा एक्चुअली इस बार। एंड नाइस सॉन्ग, बहुत मज़ा आया। और ये पूरा सॉन्ग जो सूट हुआ है वो एक्चुअली घर पे हुआ होगा ऑब्वियसली, बट यू नो वो जिम में होती है ना वॉकिंग मशीन, रनिंग मशीन या फिर ट्रेडमिल जो होती है, ये उसके ऊपर सूट हुआ है। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग देखा, उसके बाद देखा, लेकिन ऐसा लगा ये उसी पे हो रहा है। बिकॉज अगर आप खुद चलते चलते करोगे तो भी इतना परफेक्टली नहीं होगा, तो ये एक्चुअली ट्रेडमिल पर ही हुआ है। नाइस, वो मेरे से कुछ नया आइडिया लेके आता है, बिकॉज ऑलरेडी 2 सॉन्ग घर पे सूट हो चुका है, तो ये तीसरा सॉन्ग है, तो फिर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। एंड बहुत ही ग्रेट था, बहुत मज़ा आया सुनने में। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की इसके ऊपर। अब नेक्स्ट सॉन्ग लोग कह रहे हैं कि चाबी वाला बंदर जो डिवाइन सर का जो रिप्लाई है, या फिर एक्चुअली रिप्लाई है, तो उसके ऊपर ये संदू, ये एक डिस्ट्रैक्ट है एम ए सर के लिए, तो अब देखते हैं। एंड अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बात करूँ तो अभी मैंने फ़ोन पर देखा कि कृष्णा सर की पोस्ट रखी है आई थिंक कि डिवाइन सर के साथ, तो यू नो ये कुछ हो सकता है यहाँ पर। मैंने पूरा देखा नहीं मतलब क्या है, लेकिन ये पूरा देखा कि कृष्णा सर एंड डिवाइन सर दोनों एक साथ थे, तो कुछ उनकी तरफ से कुछ आने वाला है या पता नहीं। और हाँ, तो मुझे आप प्लीज़ बताओ कि अब नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा, किस सॉन्ग के भी रिएक्शन में, बिकॉज अभी चार वाला बंदर बाकी है एंड बैक फ्लिप सॉन्ग बाकी है, तो उन दोनों में से एक सॉन्ग पे क्लिक कर दो, मैं इसे कम्युनिटी में डालने वाली हूँ, तो आप एक पे क्लिक कर दो। जो भी ज़्यादा रिक्वेस्टिंग होगा या फिर जो भी ज़्यादा क्लिक हुआ होगा उस सॉन्ग के ऊपर मैं नेक्स्ट रिएक्शन दे दूँगी। ओके सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।